बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ गुजरेला, जिसे गाजर का हलवा भी कहा जाता है और गुजरेला भी कहा जाता है। सर्दियों में बहुत मज़े से खाया जाता है, सबको ये बहुत पसंद होता है, बच्चों को बड़ों को। तो मैंने आज ये बनाया, तो मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो बता दूँ। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिए हैं जी गाजरें सिर्फ 3 kg यानी कि 3 किलो, और जो दूध लिया है वो लिया है 5 kg 5 किलो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैंने गाजरों को वॉश किया, उसके बाद मैंने इसे साफ़ किया, उसके बाद मैंने इसे कद्दूकश करने के लिए एक मशीन रखी हुई है, जो बड़े 5 मिनट के अंदर अंदर आपको कद्दूकश कर देगी। अगर जैसे ये 3 kg है तो ये 2 मिनट में ही हो जाएगी। तो उसके बाद कद्दूकश करने के बाद मैं इसमें जो ऐड करूँगी वो है मिल्क, यानी कि इसमें दूध डाल के गाजरों को मैं रख दूँगी ऊपर पकने के लिए, और इसमें ऐड कर दूँगी इलायचियाँ, कुछ 6-7 इलायचियाँ इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बादाम, खोपरा और खरोट और मलाई, यानी कि मैंने 1 kg के करीब होगी ये दूध जो आता है तो उससे उतार के रख लेती हूँ इन चीज़ों के लिए। और देसी घी लिया है, और क्या कहते हैं खोया लिया है, ये बादाम और ये खोपरा वगैरह और खरोट वगैरह, यानी कि बादाम हम साबुत ही घर लेके आते हैं, इसकी गिरियाँ वगैरह खुद ही निकालते हैं। तो ये मैं आपको दिखाने के बाद इसको निकाल लूँगी, फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और जैसे जैसे ये पकता जाएगा साथ साथ इसके अंदर, यानी कि मैं पहले मलाई ऐड कर दूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर जो है खोया ऐड कर दूँगी। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे, और जो चीनी है आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करती थी। अब ये भूनने वाला हो गया, यानी कि इसका जो दूध था खोया और ये मलाई वगैरह थी सारा कुछ खुश्क हो गया, यानी कि ड्राई हो गया। तो अब मैं इसके अंदर देसी घी डाल के इसे अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूँगी। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा गुजरेला तैयार, बहुत मज़ेदार। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए हमारा गुजरेला हो गया बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान और सिंपल ये रेसिपी थी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसे बना के आप फ्रीज़र में रख लें, रात को जब भी भूख लगे तो इसे थोड़ा सा निकालें, ओवन में गर्म करें और मज़े से खाएं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।